तो सभी को नमस्कार। आज है दिनांक 27 जनवरी 2023 और हम आ पहुँचे हैं खजुराहो। और हमारे साथ हैं कुछ हमारे व्यवहारी और वहाँ से आए हुए तीन लोग। तो यह गरिमा, इधर हमारा सुनैना है साथ में, और इधर हमारे घर बनाने वाले ठेकेदार साहब राठौर साहब, विद्याधर जी आए हुए हैं। और हम लोग खजुराहो मंदिरों में अभी प्रवेश कर गए हैं। बेसिकली पहले एक पुरानी जगह से एंट्री होता था, बट अब एक नया सुंदर पाथ बना दिया गया है जिसमें से एक तालाब और 64 डिग्री मंदिर को हाँ बन गया कनेक्ट करके सब दिखाते हैं। पूरा एक पाथ है, तालाब है, लोग आए हुए हैं। चलिए तो आपको खजुराहो दर्शन कराते हैं। तो आपको पहले एक तालाब है यहाँ, किशोर सागर तालाब, उसको यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी। और टिकट आप ऑनलाइन बुक करके ही आएँ तो अच्छा है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से करीब 35 रुपये के आसपास का पर पर्सन टिकट मिलता है। दो शिफ्ट में एंट्री है, मॉर्निंग और आफ्टरनून में। तो आप उसको बुक करके आएंगे तो आपको यहाँ पर सब देखने को मिलेगा। तो सुंदर सा एक यहाँ पर चौक पड़ा, फिर एक पॉन्ड है, और हम लोग इंटर कर चुके हैं। तो धीरे धीरे करके आपको सारे मंदिर में दिखाऊँगा। तो हम लोग अभी आ चुके हैं 64 योगिनी मंदिर। ये मंदिर है सबसे, ऐसा बोलते हैं कि सबसे प्राचीन मंदिर खजुराहो का ये मंदिर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ है जिसमें लोग पढ़ के जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग पढ़िए, जब तक जानकारी लीजिए तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस मंदिर में जो देखेगा, इसका स्ट्रक्चर जो है, नॉर्मली यहाँ के मंदिर में एक वेदी होता है नीचे और एक चबूतरा होता है पहले, फिर उसके ऊपर मंदिर बनाए जाते हैं। बट इस मंदिर का जो चबूतरा एकदम बेसिक है, जैसे बहुत सारे पत्थर और बोल्डर यहाँ पे रखे गए हैं, फिर इसके ऊपर सामने से जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और फिर ऊपर मंदिर है। तो सबसे प्राचीन, सबसे पहला मंदिर ये यहाँ का 64 योगिनी मंदिर है। चूँकि इतना भव्य नहीं है तो नॉर्मली लोग इसको क्या करते हैं, एंट्री ज़रूर करते हैं बट स्किप कर देते हैं, इसको देखते नहीं हैं। लेकिन आप देखिए ये मंदिर, योगिनियों की जो पूजा है ना, एक तंत्र विद्या में होती है, 64 देवियों की पूजा होती है, 64 देवियों के मंदिर होते हैं। और ऐसे 3-4 मंदिर ही पूरे भारत में हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में एक जबलपुर का मंदिर काफ़ी अच्छा है 64 योगिनी का, और एक हमारे जो गांव है चंदला के पास में, वहां भी एक 64 योगिनी मंदिर है, और उड़ीसा में भी कुछ भुवनेश्वर के आसपास 64 योगिनी मंदिर हैं। तो एक खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर, और आप लोग छोटे छोटे से टेम्पल देख रहे हैं। और मोटली क्या होता है कि किनारे किनारे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर होते थे और बीच में एक मुख्य मंदिर होता था। एक टूट गया है, उसका डिज़ाइन काफ़ी बेसिक है, मूर्तियाँ रखी हुई चीज़ें। तो आप देखिए ये रहा 64 योगिनी मंदिर, और हमारे विद्याधर जी आ रहे हैं। और इसी मंदिर कंपाउंड से बाकी सारे जो मंदिर हैं वो दिखते हैं, और बगल में तालाब है। तो ये वाले, तो यहाँ पे बहुत सुंदर तालाब, और तालाब के किनारे किनारे एकदम उधर एक महल बना हुआ है। आप अगर देख पाओ, थोड़ा जूम करता हूँ, एक महल है और वहाँ पर मंदिर दिख रहे हैं हमें। सो बहुत ही अद्भुत नज़ारा। अभी बहुत दूर चलना है, तभी सोच सोच के हमारे जो विद्याधर जी हैं परेशान हो रहे हैं कि इतना कैसे चलूँगा मैं। बालिकाएँ भी यही सोच रहे हैं कि अभी हम कैसे चलेंगे, बट हम चलते हैं आगे, देखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा अपन को। और काफ़ी मात्रा में विजिटर बड़ी संख्या में आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। और विशेष कहाँ से आए आप लोग? सतना से। कितने लोग हैं, पूरा टीम है? जी, अच्छा। पीछे, तो किसी अभी स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज में? कॉलेज में कॉलेज टूर है कि अपने खुद से घूमने आए? डांस क्लासेस हमारे। अच्छा, तो डांस, यहाँ कोई डांस क्लासेस चल रहे हैं कि? नहीं, हम सब घूमने आए हैं। अच्छा अच्छा, ट्रिप हम प्लान करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कहाँ कहाँ घूमा अभी? अभी तो फर्स्ट स्टॉप यही हुआ। अच्छा, खजुराहो पूरे देख लिए? हाँ। अच्छा ठीक है, कितने लोग हैं ग्रुप में?
अच्छा सही सही, बहुत बढ़िया। आप ब्लॉगर हैं? हाँ हाँ ब्लॉगर हैं हम लोग। हमारा भी यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल, कौन सा? हमारा स्टारडम स्टेज। अच्छा, उसमें क्या सिखाते हैं आप लोग? उसमें डांस है, हमारा डांस चैनल है, उसमें फीचर्स में जाएंगे। अच्छा, सबके इंडिविजुअल बहुत सारे चैनल हैं। अच्छा अच्छा, तो इट्स लाइक लेट्स टॉक है, प्राचीन भारत फॉर लाइक जो भी इंडिया के रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसे हम उसमें कैप्चर करते हैं। उसके अलावा भी साइंस चैनल। अच्छा, वर्ल्ड ऑफ फैक्ट, उसमें साइंस रिलेटेड है। एंड हमारे पास इंग्लिश हिंदी दोनों सबके चैनल हैं। अच्छा, लाइक अगर आप प्रेफर करते हैं इंग्लिश में सुनना तो इंग्लिश में करिए, अगर हिंदी प्रेफर है तो हिंदी में कर सकते हैं। तो अभी कहाँ कहाँ घूम लिया आप लोगों ने? यहाँ तो और कहाँ कहाँ प्लान है, क्या क्या देखने का? वाटरफॉल का, और टाइगर रिजर्व भी जाएंगे क्या? पन्ना टाइगर रिजर्व में भी अगर टाइम बचा तो, क्योंकि सिर्फ हमारे पास आज का ही टाइम। अच्छा अच्छा, तो खजुराहो रूप आएगा उसके लिए एक अलग टाइम चाहिए। ठीक है, आज हम मतलब यहाँ स्टे नहीं कर रहे, सिर्फ मंडे का ट्रिप है। तो अगली बार जब आइए तो कम से कम 3 दिन का प्लान बना के आइए, क्योंकि यहाँ जो ये जो मंदिर आप मेरे सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं कांदारिया महादेव मंदिर। कांदारिया महादेव मंदिर इसलिए बोलते हैं कि दूर से देखने पर अगर इस मंदिर को देखेंगे तो इसका एंट्रेंस है एक कंदरा जैसे लगता है, गुफा जैसे लगता है। गुफा को क्या बोलते हैं? कंदरा बोलते हैं, और उसी से बन गया कांदारिया महादेव, जिस गुफा में रहने वाले महादेव मंदिर। इसकी हाइट बहुत ऊँची है, और ये भी आप मंदिर में आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एक पहले एक नागर शैली के बने हुए मंदिर हैं, ये पंचायतन शैली जिसको बोलते हैं। तो इसमें 5 मंदिर नहीं दिख रहे, दूसरे मंदिर में आपको दिखाएंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक चबूतरा होता है, ठीक है ना, दिख रहा है? तो चबूतरा के बाद फिर क्या होता है कि इसको बोलते हैं जगती। जैसे मान लीजिए हमारी एक बॉडी के स्ट्रक्चर होता है ना शरीर, तो ऐसे ही क्या होता है कि शरीर की संरचना पर, तो मान लीजिए बॉडी के पैर हो गए, फिर इसका आएगा ऊपर, फिर ऊपर शिखर जो हो गया सिर को बोला गया, तो ऐसे ही करके मिडिल पार्ट। तो ये है, तो यहाँ पर आप देखोगे पहले चबूतरा था, अब एक समय पर जब ये टूट फूट गया है, बट इसमें भी बहुत सारी मूर्तियाँ होती थी, दूसरे तरह के चबूतरा देखेंगे दिखे जाएगा। और तभी तो इसमें ज़्यादा मूर्तियाँ बची नहीं है, बट चलिए ऊपर चल के अपन देखते हैं कांदारिया महादेव के दर्शन करते हैं अपन। आप लोग देख रहे हैं तो इन मंदिरों को बनाने के लिए, जो आज आपने कभी लेगो देखा ना, लेगो एक के ऊपर एक ब्लॉक रख के जब एक सांचा होता है और एक के ऊपर एक खड़े करके बनाते हैं, तो पूरे के पूरे सारे पीसेस हैं, अलग अलग पीसेस बनाएंगे फिर एक के ऊपर एक रखा गया है। और इसको आप पूरा मंदिर एक एक पीस खोल के आप अलग कर सकते हैं। तो इस पद्धति से इसको बनाया गया, इसमें कोई भी सीमेंट या कोई भी जुड़ाई का प्रयोग नहीं किया गया, सारे ब्लॉक एक ऊपर एक रखे हुए हैं। और आप सोचिए कि इतने ऊपर अपना इतना बड़े पत्थर कैसे चढ़ाए होंगे, क्या किया होगा, तो उसका जवाब भी हम लोगों से पूछेंगे। हमारे जो साथ हैं सुनैना, ये बताएंगी इतने ऊँचे पर मंदिर कैसे बनाए होंगे उन लोगों ने, कैसे चढ़ाए होंगे इतना बड़ा पत्थर, क्रेन नहीं था, चीज़ें नहीं थी, बताइए गरिमा जी। लकड़ियों से कैसे? लकड़ियों से इतना ऊंचा लकड़ी कैसे उठाएगा? लकड़ी के ऊपर लकड़ी बांध के। तो ये बहुत सारी थ्योरी हैं, लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, हमारे जैसे विद्याधर जी हैं, विद्याधर जी ने ही बनाया था, जो राजा थे विद्याधर, हमारे साथ विद्याधर जी भी हो सकता है, इन्होंने ही बनाए, आज भी ठेकेदारी का काम करते हैं। बट इसको बनाने के लिए एक बहुत ही साधारण इन्होंने टेक्निक यूज़ की थी, उस टेक्निक को बोलते हैं, पहले क्या करते थे जैसे चबूतरा बनाया तो उसको मिट्टी से ढक दिया, फिर उसके ऊपर काम किया उसको भी मिट्टी से ढक दिया, फिर उसके ऊपर काम किया उसको मिट्टी से ढक दिया, और जाते जाते जब पूरा मंदिर बनता था पूरा एक मिट्टी का पहाड़ बन जाता था, जब पूरा मंदिर बन गया तो उससे मिट्टी हटा दी, मिट्टी खाली कर ली और मंदिर प्रकट हो गया। तो इतनी सुंदर जो उनकी संरचना थी, जो डिज़ाइन थे ना, आप वो कल्पना करिए कितना प्लानिंग के साथ वो करते थे, एक मूर्ति कब कहाँ पे क्या रहेगी। और सारी मूर्तियाँ जैसे एक के ऊपर एक रखे हुए, जैसे लेगो के पीसेस रखते हैं, तो वो जस्ट रखा हुआ है, कोई सीमेंट कोई जोड़ कुछ नहीं, बस रखे हैं। और वो भी मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकल, इतना इनमें मैथमेटिक शार्प है कि हजारों साल से ऐसे ही खड़े हैं, कोई एंगल टेढ़ा नहीं हुआ, इतने भूकंप आए चीज़ें नहीं गिरे नहीं मंदिर, क्योंकि इतना प्रिसाइज सीधे खड़े हैं। और अभी हम लोग एक साथ अजूबे बोलते हैं कि एक पीसा की झुकी हुई मीनार एक इटली में है जो झुक रही है, बट हमारे जो पूर्वज लोग थे उन्होंने इतने शानदार मंदिर बनाए जो आज भी स्ट्रेट खड़े हैं, वो भी एक एंगल पे, और पूरे सारे एक फैक्टोरियल यहाँ पे देखोगे आप लोग तो पहले एक मंदिर है छोटे छोटे, फिर और बढ़ती जाती है संख्या उनके फैक्टर, और ऊपर एक अलग मैन शिखर आता है, तो फैक्टोरियल का भी फैक्शन का भी और ज्योमेट्री का भी अद्भुत उपयोग किया गया है यहाँ पे। तो हमारे धर्म में 4 सोपान की कल्पना की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो बेसिकली जो यहाँ इस मंदिरों को प्रचारित किया गया कि ये जो मंदिर हैं काम को समर्पित हैं, बट ऐसा नहीं है, काम की मूर्तियाँ यहाँ पर केवल 3% ही हैं और जो भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो ऐसी परिकल्पना थी कि जब आप लोग क्या करोगे कि आपको अगर भगवान के पास जाना है, अपने आप को जानना है, तो इंद्रियों से परे जाना पड़ेगा, तो सर इंद्रियों के सारे चीज़ों का चित्रण यहाँ पर किया गया है, फिर उसके बाद आप जब गर्भगृह में जाओगे तो वो नहीं मिलेगा। और दूसरा ये भी था, एक तरह के लर्निंग सेंटर थे, बहुत लोग यहाँ पे विजिट करते थे, जैसे छोटे बच्चे हैं तो नीचे हाथी घोड़ा देखें फिर ऊपर देखें,
तो कई बार ऐसे भी होता है जिन फैमिलीज को बच्चे वगैरह नहीं होते कपल्स को, तो उनको बोला जाता है इन मंदिरों की प्रदक्षिणा करिए। साउथ में अभी भी परंपरा है, मंदिरों की प्रदक्षिणा है, 7 दिन 15 दिन प्रदक्षिणा की परंपरा है। तो मंदिर में जाके देखते हैं चीज़ें, तो उससे अध्ययन करते हैं तो शायद फिर संतान उत्पत्ति के साधन वो लोग उत्पन्न करते हैं। 216 फीट बहुत ऊँचा मंदिर है 216 के आसपास है, बहुत ऊँचा मंदिर है। एक आपने नीचे पढ़ा होगा, एक्चुअल फैक्ट नीचे पता चल जाए। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। आप पहली बार आ रहे हैं कि पहले भी आए हैं? अच्छा, तो कहाँ का घूमने का विचार है? मथुरा, यहाँ पे खजुराहो। खजुराहो पर घूमना है? खजुराहो के आसपास और भी सुंदर जगह है, वो भी देख के जाइएगा। तो लौटते वक्त ओरछा भी देख के जाइएगा। ओरछा? हाँ, झांसी के पास में मिलेगा। कहाँ, कौन से रास्ते से आए हम लोग? झांसी के पास से ही, उधर से हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, बस पकड़ के ओरछा जरूर देख के जाइए। तो झांसी से पकड़ लीजिएगा, मतलब ओरछा पास ही है यहाँ पे, बहुत सुंदर जगह है वो भी। तो वहाँ राम राजा मंदिर है, चीज़ें हैं। देखिए, कौन सी क्लास में पढ़ते बाबू? तो मध्य प्रदेश गान सुना है तुमने, खजुराहो में कला। हाँ, तो दिख रही है कला खजुराहो में। और ये कौन प्रेरणा देते हैं? महादेव प्रेरणा देते हैं। ये ऐसा बड़ा ग्रस्त वाले भी वही हैं। आप सोचिए, वही ग्रस्त हैं सबसे बड़े, शिव परिवार होता है ना, परिवार। सबसे बड़े योगी भी वही हैं, सबसे बड़े योगी भी हैं, ग्रस्त भी है। सब एक आदमी के अंदर ही होता है सब। बोला मैं लेता हूँ समाधि, महायोगी मैं। हाँ, ये कलाकारी देख रहे हो ना, खजुराहो कलाकारी देखो। हाँ, इसका भी कारण बता देते हैं। तो हमारे विद्याधर जी पूछ रहे हैं, यहाँ पर एक आयरन नहीं है, बेसिकली मेटल है वो, तांबा है। तो तांबा क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बिजलियाँ गिरती रहती हैं, ऊंची जगह बिजली गिरती है, तो बिजलियों से रक्षा करने के लिए ऊपर तड़ चालक लगे हैं, ठीक है ना, ताकि बिजली गिरे तो इसमें मंदिर को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन एक और परिकल्पना है, 1000 साल पहले तड़े चालक तो हुआ ना, तो वो देखिए उधर उस मंदिर ऊपर दिख रहा ना, तो बिजली गिरे तो वो उससे सुरक्षित रहे, ऊंचा है ना ये मंदिर। लेकिन एक और परिकल्पना, बिजली से सुरक्षित रखने के लिए ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पे जो काम की मूर्तियों का अंकन है, तो इंद्र जो है थोड़ा रसिक आदमी है, आपको पता है ना, और जो बिजली की देवी हैं वो कुमारी हैं, ठीक है ना, वो उनका शादी नहीं हुआ है। तो बोलते हैं हमने काम की मूर्तियाँ इसलिए भी यहाँ पे बनाई गई हैं ताकि वो बिजली की देवी हैं, जब कुमारी ऐसी जगह पे नहीं जाएंगी तो मंदिर सुरक्षित रहेंगे। और इंद्र जो है उसके देवता हैं, मान लो क्योंकि बुंदेलखंड सूखा इलाका है ना, वर्षा पानी के देवता इंद्र हैं, तो इंद्र प्रसन्न रहेंगे, यहाँ आएंगे रसिक। तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है मान लीजिए, बट अभी आर्कियोलॉजिकल ने अपने तड़ित चालक यहाँ पर लगा दिए हैं, और कोई भी काम बिना उसके नहीं है। पूरे मंदिर नहीं छोड़े उन्होंने, पूरी मूर्तियां नहीं छोड़ी, देख रहे हो, देख रहे हो, सारी मूर्तियां, सारी देवियां थी यहाँ पे, देख रहे हो, तो सब तोड़ दिए ना। तो ये है, ये हमने झेला है, बचा कुचा इतना अच्छा तब कितना रहा होगा, ये आप कल्पना ही करिए। बोलते हैं लोग फॉल सीलिंग का आज पहले POP पे काम होता है, इसके अंदर भी मूर्तियां लटकी हुई होती थी, बीच में छेद है ना, बट वो टूट गई हैं। और इतना सुंदर जो छत पे काम किया गया है वो आज भी अकल्पनीय है, वो पत्थर पे किया है उन लोगों ने। और ये तोरण है, इसमें हाथियां स्वागत कर रहे हैं, और ये गुफा का एंट्री है, और यहाँ से पूरा परिसर दिखता हुआ ऊंचाई पे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से पहली बार आए हैं कि पहले भी आए हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। अच्छा, तो कहाँ कहाँ घूमने का विचार है? अभी इसके बारे में हमें आइडिया नहीं था, खजुराहो तो हमने एक ऐतिहासिक जगह सोच करके आए थे, और इट्स वेरी फैंटास्टिक, बहुत सारी चीजें मैंने तो ऐसा अकल्पनीय जगह है, जो नागर शैली के मंदिर है ना, सबसे बेहतरीन टेम्पल है ये, बचे हुए जो बच गए हैं ना, तो फाइनेस्ट टेम्पल ऑफ नागरा स्टाइल टेम्पल। तो आप लोग कहाँ के हैं? बेसिकली दिल्ली के तो नहीं है, हम लोग दिल्ली के नहीं, मुजफ्फरपुर बिहार के। अच्छा, बिहार से हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके बिहार में भी तो है बोध गया वगैरह, गए हैं कि नहीं गए हैं? तो इस मंदिर के गर्भगृह के जो बाहर से भी एक प्रदक्षिणा पथ है, जिसमें बहुत ही अद्भुत मूर्तियाँ यहाँ पर नरसिंह अवतार को दर्शाते हुए, एक भगवान देखिए नरसिंह का भी यहाँ पर मूर्ति है, लाइट आती है यहाँ पे।
साथ में भगवान शिव का जो महिषासुर वगैरह का मर्दनी का भी यहाँ पे चित्रण है, कमंडल योगीस और प्रदक्षिणा पथ है अपना, कांदारिया महादेव के मंदिर, जितने बड़े बड़े आले थे अलमारी जैसे उसमें बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। हरार महादेव, जय शिव शंभू। कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, क्या बात है, पहली बार आए हैं? ये पहला मंदिर देख रहे हैं कि इसके पहले भी देख लिए? नहीं नहीं, पहली बार देखा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, शानदार है ना? बार बार आने का दिल हो रहा है। बिल्कुल आइए, मैं यहीं का हूँ पास का, खजुराहो का। देखिए यहाँ पर 10 अवतार की कहानियाँ हैं, सब है, पूरे हर कहानी, हर मूर्ति का अपना अलग अलग महात्म है, चीज़ें हैं। जैसे शिव जी को समर्पित मंदिर है, फिर कुछ विष्णु जी को समर्पित मंदिर है, तो वो सब बड़े अद्भुत मंदिर हैं ये। और ये है अपना प्रदक्षिणा पथ से बाहर आते ही यहाँ पर हमें मिलता है एक मंडप। तो यहाँ पे पहले एक समय यज्ञ और हवन किया करते थे, और ऐसा है कि सुकंदरा से बाहर रोशनी सीधे केवल शिवलिंग पे ही पड़ती थी। और ये ऊपर हम देख पा रहे हैं कि जो तोरण है, नवग्रह का चित्रण है, नवग्रह से फिर और सीढ़ियाँ हैं और ऐसे चढ़ के जाती हैं। बड़ा अद्भुत मंदिर शंभू। तो हमारे पास बाइनोकुलर है, उससे भी हमने बहुत मूर्तियाँ देखी। और अभी हम लोग अभी भी जस्ट खोए हुए हैं कि कल्पना कर रहे हैं कि बनाया तो बनाया कैसे। और हमारे विद्याधर जी भी, उनको एक नई प्रेरणा मिली है कि अपने अब नए कंस्ट्रक्शन में वैसे ही तोरण बनाएंगे। वो अभी भी सोच में डूबे हुए हैं कैसे बनेगा। हर सुंदरता को उन्होंने प्रदर्शित किया है, चीज़ें किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे देखते हो, मंदिर ही है भाई, भगवान का परिवार है, तो ऐसे थोड़ी हो गया। रंग है, इंद्री का अपना उपयोग है, बट उसमें बोल रहे हैं कि उसमें खो नहीं जाने का। तो एक तरह का एजुकेशनल चीज भी है, तो बच्चों को नहीं दिखाते हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो चलो घूमो घूमो, बहुत फोटो के चक्कर में ना रहो, जो घूमने आओ उसे क्या बताओ घर में जाके। फोटो 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 देखेंगे तब तक पता चलेगा। तो समझ में आया मध्य प्रदेश कितना अद्भुत है। अभी तो एक चीज देखा है तुमने, हमारे साथ रहोगे? टूट गया था, उसको वापस ठीक किया सीमेंट वीमेंट लगा के। अभी के आदमियों में क्षमता थोड़ी है वैसा बना पाने की, तो लोगों ने उसको ठीक करके बना दिया ताकि चलो ठीक है, कुछ कुछ बचा रहे, उसका डिजाइन बचा रहे। तो है सूर्य मंदिर, बहुत ही सुंदर लॉन। और हमारे पास हैं अभी गर्मा जी और विद्याधर जी। तो गर्मा जी, अभी आपने देखा कांदारिया महादेव मंदिर, इधर आइए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत तो, अच्छी जगह है, बहुत प्राचीन जगह। तो यहाँ आने से पहले क्या आपके मन में विचार थे? अपने गांव में मेला घूमना। और फिर यहाँ आने के बाद क्या लगा? लगा कि जैसे कि मेले में कुछ रखा नहीं है, ज्ञान का भंडार और सार तो यही है जो हमारे इतिहास में है, उसे जानना बहुत ही अच्छा होता है हम लोगों के लिए। क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम खुद को नहीं जान पाएंगे, और भगवान को नहीं जानेंगे तो खुद को पहचान नहीं पाएंगे। वो देखो नेवला भाग रहा है उधर, भागेगा भी। ठीक है, तो ये है मेला, ये मेला देख के मजा आया? बहुत मजा आया। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था ना कि ऐसा कुछ देखने को मिले? कुछ नहीं सोचा, ऐसा लगा था कि एक ऐसी मंदिर है, मतलब परिक्रमा करेंगे घूम के ऐसे ही आ जाएंगे, इसलिए हम आना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन पापा बोले हमारे कि चलो, तो हम बोले कि ठीक है देखते हैं। तो हमने इतना इमेजिन नहीं किया था कि ये जगह है, ये प्लेस इतना अच्छा हो सकता है और इतना ज्ञान से भरा हो सकता है। बहुत अच्छी जगह है और हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है। इधर आओ, क्या नाम है, सुनैना, तुम बताओ कौन सी क्लास में हो? मैं 8th क्लास में। और यहाँ आने से पहले क्या मन में विचार था? यही था कि क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, गांव में ठीक है मेला घूमेंगे, लेकिन आया आए तो पता चला प्राचीन जगह ऐतिहासिक है, इससे हमें बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सब लोग को यही कह रही हूँ कि सबको ये आए, कुछ यहाँ बातें जाने पुरानी बातें। मध्य प्रदेश गायन गाते हो, उसमें जब बोलते हैं ना खजुराहो का नाम आता है, तब सुन के क्या लगता था क्या होगा खजुराहो में? मेरे को लगा कि नहीं बस ऐसे होगा, कुछ अच्छा
अच्छा नहीं होगा, लेकिन आए तो पता चला कि क्या है क्या नहीं। अब क्यों आता है खजुराहो का नाम? हाँ। अब समझ में आता है ना क्यों है खजुराहो का नाम इतना अच्छा। तो ये है हमारा सूर्य मंदिर, जाओ देख के आओ। तो हम वहाँ पहुँचे हैं विश्वनाथ मंदिर, और जो भगवान शिव को समर्पित है मंदिर, काशी में जो भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है उससे प्रेरित होकर बनाया है। और एंट्री पे हमें बहुत बड़े बड़े हाथी स्वागत करते हुए नज़र आते हैं, और साथ ही इसके पीछे में जहाँ पर भगवान शिव का विराजमान होते वहाँ पर नंदी भी विराजमान होते, तो नंदी का भी एक बड़ा विग्रह यहाँ पर स्थापित है। तो चलिए आपको देखते हैं काशी विश्वनाथ का रेप्लिका या विश्वनाथ मंदिर फ्रॉम खजुराहो। तो हम आ गए हैं नंदी मंडप में भगवान शिव के बहुत प्रिय वाहन नंदी, और नंदी जी यहाँ विराजमान है। एक सिंगल पत्थर से काट के बनाए गए एक मूर्ति भी थी जो टूट गई है। तो ऐसी मान्यता है कि शिव जी तक अगर बातें कोई पहुँचानी है आपको, कोई मान्यता है, तो नंदी के कान पे बोलना होता, तो ये सिग्नल आपके भगवान शिव तक पहुंचा देंगे, क्योंकि उनके सेक्रेटरी हैं, तो आपको वही बात करनी है भगवान शिव से डायरेक्ट ना बात करके आप नंदी के कान में बोल दीजिए और वो शिव जी तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। तो एक विशाल नंदी है और सामने ही विश्वनाथ मंदिर भव्य। मांगना है तुम्हें कुछ शिव जी से, नंदी को बता दो। यहाँ पर देखते हुए पूरा पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर, जैसे एक कोने में एक मंदिर है तो ऐसे चारों कोने में चार मंदिर होते थे और एक भव्य मंदिर। ऐसा माना जाता था ये मंदिर कैसे बना हुआ था, पहले हीरे जवाहरात के शिवलिंग थे यहाँ पे, बट वो समय से लूट खसूट होने के कारण ये सारे ख़त्म हो गए। और यहाँ भी ऊपर एकदम लोटस देखिए कितना सुंदर किया हुआ है चक्र। तो जो व्रत है ना सर्किल, सर्किल जो है ना हमारा जो पूरा जीवन है वो एक चक्र की तरह है। जैसे मान लीजिए जन्म लेता है कोई, बड़ा होता है, फिर मृत्यु, फिर चक्र चलता रहते हैं ऐसे दिन रात। तो व्रत जो है ना ऐसी वृत्तियों को दर्शाते हैं एक जीवन को, चक्र को। तो सारे व्रत या लोटस हर जगह उपयोग आपको मिलेगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या। अयोध्या से हैं? जय श्री, जय श्री राम, जय श्री। चलिए बढ़िया बढ़िया, पहली बार आए हैं? मेरा तो थर्ड टाइम है, मम्मी जी को ले। अच्छा अच्छा, क्या पसंद आया था आपको तीसरी बार आने में? मेरे को तो पसंद आया, इसलिए मैं जो भी आता है मेरे साथ बागेश्वर धाम, तो हाँ? उसको मैं यहाँ भी लेके आता। तो बागेश्वर धाम आए हैं, ठीक है। तो बागेश्वर धाम आने से पहले यहाँ आए थे? नहीं नहीं, वहीं आए तो फिर यहाँ, अब यहाँ आया मैं। अच्छा, और इधर पांडव फॉल है। हाँ पांडव फॉल है, पन्ना में भी बहुत सारे सुंदर मंदिर है। पन्ना जाना रह गया। और अगर आपके पास और समय हो तो यहाँ पे कलिंजर भी है 60-70 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पे किला है, वहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर गुफाओं में काट के ऐसे बनाया, तो वो एक बड़ा अद्भुत जगह है। जटाशंकर गए थे हम। हाँ जटाशंकर भी सुंदर है, बट कलिंजर भी आप जा सकते हो। और ज़्यादा समय है तो राम राजा जी है ना आपके अयोध्या में, तो बोलते हैं कि रात को रहते हैं, हमारे MP में रहते हैं राम राजा, ओरछा जगह है, तो वहाँ के राजा। ओरछा पड़ा था। हाँ तो ओरछा मतलब वहाँ है, झांसी के साइड। हाँ तो वहाँ पे राम राजा मंदिर है, बहुत ही, हाँ तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे, और बहुत महल है, वो जगह आप जा सकते हो, अद्भुत मजा आएगा आपको। जय श्री राम। तो है विश्वनाथ मंदिर, विश्व के नाथ काशी में है, और यहाँ भी अद्भुत मंदिर संरचना। यहाँ छोटे से छोटे मंदिर या बड़े से बड़े मंदिरों में बहुत माइनर डिटेलिंग का ध्यान किया गया। सबसे अट्रैक्ट जो करता है यहाँ का जो तोरण है, जो गर्भगृह से जाने से पहले जो दरवाजे में एक तोरण बना हुआ, ऊपर नवग्रह का चित्रण आप देख पा रहे हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरफ और 5 इस तरफ, लास्ट में राहु केतु भी आपको समझ में आएंगे। तो हर एकदम डिटेल का चित्रण किया गया है, गंगा यमुना सारी नदियों का चित्रण सब कुछ, तो शिव के मंदिर में ये होना ज़रूरी है। और अकेन इतना विशाल है,
ब्राट मंदिर। और यहाँ पे कई पैनल में है मूर्तियाँ हैं, पहले तो नीचे मान लीजिए बेस में मूर्तियाँ हैं, फिर ऊपर मान लीजिए आप देखें एक छोटे लेयर में मूर्तियाँ देखेंगे आपको, नृत्य संगीत करते हुए लोग ढोलक बजाते हुए चीज़ें करते, फिर इसके ऊपर एक लेयर है एक और छोटी मूर्तियाँ ग्रुप जिसमें युद्ध के सीन सब कुछ हैं, फिर इसके ऊपर एक बड़े लेयर में तीन बड़े बड़े पैनल करीब 3-3 फीट की मूर्तियों के पैनल हैं जो बड़ा ही अद्भुत है। बांसुरी बजाते हुए लोग तो मस्त अद्भुत। और यहाँ पे एक छोटा सा मधुमक्खियों का छत्ता भी है और बड़ी मात्रा में लोग घूमने आए हुए हैं। विंटर एक बहुत बढ़िया समय है खजुराहो घूमने का, तो आप भी जब भी प्लान करें अपनी यात्रा विंटर में करें, ठंडियों में, क्योंकि गर्मी में काफ़ी तेज़ गर्मी हो जाती है, खुले में घूमना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो विंटर में आइए। बेस्ट समय अक्टूबर से आप शुरू करके मार्च तक आ सकते हैं, फिर भी जब भी समय मिले आप आइए। तो बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर बगल में पार्वती जी का मंदिर और एक बुंदेला आर्किटेक्चर में बना हुआ मंदिर। तो पहले क्या होता था कि जैसे किसी मंदिर के इतिहास को पता लगाना होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि कोई शिलालेख मिला, क्या चीज़ें मिली क्या, फिर उस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया जाता है। तो इस जो विश्वनाथ मंदिर है यहाँ पे एक शिलालेख है और हिंदी का ही एक दूसरी लिपि है इसमें, तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, ठीक है ना विकट। और इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जब वो लोग अंग्रेज़ को जब यहाँ पे पहली बार वो मंदिर मिले थे, वो भी आपको कहानी में नरेट कर देता हूँ। तो ये क्या है, मंदिर जंगल में खो गए थे एक समय बहुत सारे आक्रमण झेलते झेलते, तो जब एक सर्वे कर रहे थे एक अंग्रेज़, तो आज से करीब 100-150 साल पहले, तब उन किसी ने बताया कि यहाँ पे बहुत खंडर है, तब वो वहाँ मंदिर देखे तो बड़े अचंभित रह गए कि इतने अद्भुत मंदिर क्या हैं। और उसी समय उन्होंने क्या किया था कि मंदिरों को खोजा था और फिर इनके जो शिलालेख हैं उनके एक कपड़े पे उसी तरह की प्रतिलिपि बनाना होता है उसको, उसी तरह लिख के ताकि उसको पढ़ा जा सके, चीज़ें करा जा सके, तो उसी के माध्यम से उनको पता चला कितने पुराने मंदिर हैं, क्या कहानी है। तो ऐसे शिलालेख ज़रूरी होते हैं और उसी से पता लगाते हैं पुरातत्ववेत्ता की क्या कहानी है। तो जैसे कई लोग थ्योरी बोलेंगे 2.5 दिन में बने थे, वैसा नहीं है, क्योंकि उसमें अंकन रहता है किसने बनाया, कब बनाया, क्या थे, तो वो थ्योरी नहीं, चीज़ों पे एविडेंस चाहिए होते हैं। तो ये है महादेव को समर्पित मंदिर, बहुत सुंदर छतों में डिजाइन। एक जस्ट ये बात नोटिस करने वाली है कि जो सामने से आने वाली लाइट है सीधे शिवजी पे ही पड़ती है, वही दिखते हैं बस, और कुछ नहीं गर्भगृह में। बाकी प्रदक्षिणा पथ है, इसके लिए भी सुंदर लाइट आ रही है। और जैसे लोगों को दीवारों पे गूंदने का शौक अब से नहीं है, पुराने टाइम से भी है, तो जब भी मंदिर बनते थे लोग अपना नाम उसमें भी लिख ही देते थे। और यहाँ पर भगवान शिव के अनेक कथाएं और रूपों का वर्णन है, व्याली है, बहुत मूर्तियाँ खंडित अवस्था में। तो देखिए पानी निकालने की व्यवस्था भी बड़ा गजब थी इनकी, अंदर पानी डालिए इधर से जाके अंदर जाएगा और बाहर एकदम संरक्षण और जल में, तब वो भी एकदम प्रॉपर व्यवस्था। उमा महेश्वर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अर्धनारेश्वर का चित्रण था, अब उनका सिर तो टूट गया बट मुझे समझ में आ रहा है कि आधा हिस्सा मतलब मेल का है आधा फीमेल का, तो भगवान शिव को अर्धनारेश्वर भी बोलते हैं, तो उनकी भी एक यहाँ पे मूर्ति लगी हुई थी। तो ये विरासत हम होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक नायिका है जिसमें देखें अलग में हर इतना डिटेल पर काम किया है ना, तो नायिका इसके पैर टूटे हैं बट देखिए अपने हाथ को अपने शरीर को कैसे बेंड किया है, उसके आप बालों को देखिए कितने सुंदर बालों को, हेयर स्टाइल अभी से नहीं है वो पुराने समय से ही कितने सुंदर हेयर स्टाइल करते थे, देख रहे हैं ना, तो अभी हेयर डिजाइन अभी से नहीं है। इधर भी देखिए, ये देखिए अपने बालों को संवारती हुई एक नायिका, देख रहे हैं ना, तो मेकअप चीज़ें कपड़ों का कितना सुंदर चित्रण, सब भगवान शिव को समर्पित, लेकिन पूरे पूरे से प्रकट मूर्ति खंडित कर दी,
वेलकम टू खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेंटेन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मतलब है मोनूमेंट्स का होता है स्मारक, स्मारक मैं बता। तो अब हम आप पहुंचे हैं यहाँ के एक सबसे सुरक्षित बचे हुए मंदिर में, जिसको बोलते हैं लक्ष्मण मंदिर, और यह मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। और ये पूरा इसमें दिखता है जो पंचायतन शैली या नागर शैली के जो मंदिर है पूरे इसमें सब दिख रहा है। इसमें मान लीजिए जगती है, फिर चारों मंदिर है कोनों में पंचायतन, ठीक है, और सामने के सामने जो है ये लक्ष्मी जी का मंदिर है, और साथ में बगल में यहाँ पर बाराय का एक बहुत सुंदर मूर्ति है। तो पहले उसको देखते हैं, आइए। और इसके नीचे अगर हम देखें तो ये नीचे का इसका जो जगती है, जो आधार है, चबूतरा है, वो भी काफ़ी सुरक्षित है, ठीक है ना। बैठने के लिए जगह भी है, और चारों जो कोनों के मंदिर भी है, और इसी के बगल में है भगवान शिव का मतंगेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें एक बहुत विशाल शिवलिंग स्थापित है। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि वो इस वर्षा से बाहर है। वही एकमात्र समूह का एक एक्टिव मंदिर है, एक्टिव मंदिर का जहाँ पे अभी भी पूजा होती है, बट इन मंदिरों में चूंकि बहुत सारे भंग हो चुका है तो केवल देखने की दृष्टि से बचे हैं, पूजा इनमें नहीं होती है। तो आइए पहले हम लोग चलते हैं, हम देखेंगे आपका भगवान शिव का, भगवान विष्णु का बाराय का मंदिर। तो तो यहाँ पर भगवान विष्णु का बाराय रूप का एक बहुत बड़ा मूर्ति, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बेटी थी नीचे टूट गई है, पृथ्वी जो देवी थी उनका भी मूर्ति था। तो हमारे जो वेदों में परिकल्पना है सारे जीवों की, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि वो भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान है, इसीलिए अवतार हुए, अवतारों के माध्यम से वही संदेश देने का प्रयास किया गया कि जान ईश्वर में भी। तो इसीलिए जैसे मान भगवान गणेश हैं, तो उसमें मैं मतलब मिक्स कर दिया एलिफेंट और एक इंसान के फॉर्म में, ताकि लोगों को सतत याद रहे कि जीव भी उतने ही जरूरी हैं। तो भगवान विष्णु का हमने बारह रूप में पृथ्वी का उद्धार किया। तो और यहाँ पर बहुत सारे देखे हम देख पा रहे हैं पिलरों के डिजाइन विन्यास भी पत्थरों पे उकेरे गए हैं। ये देखिए पिलर का एक डिजाइन, तो ऐसे हो सकता है मैप पहले पत्थरों में बनाते रहे होंगे लोग, और इसे मैप पे देख के लोग बनाते थे। और इसमें असंख्य छोटे छोटे से मूर्तियाँ देवता इसमें बने हुए हैं, तो एक अपने आप में एक अद्भुत मंदिर। और कुछ कुछ गेम्स भी यहाँ पर खुदे हुए हैं लोगों के लगातार बैठने से, चिकने हो गए हैं सब अपने आप में। और इसके सामने ही लक्ष्मण मंदिर, तो ये बाराय मंदिर, और इसके ऊपर हम देख पा रहे हैं कि छत पे बहुत ही सुंदर एक कमल का आकृति बनाई गई है। और हिंदू धर्म में जो कमल पुष्प है बड़ी महत्व रखता है, आठ पवित्र सिंबल है, जिसमें मान लीजिए कमल है, शंख है, ध्वजा है, कलश है, और ऐसे ही। तो ये है भगवान बाराय, और सामने भगवान विष्णु को समर्पित लक्ष्मण मंदिर। तो मंदिर का जो पश्चिमी मंदिर समूह है बहुत ही विशाल परिसर है, ब्यूटिफिकेशन और पॉइंट के बाद और भी सुंदर लग रहा है। और अब आपसे हम विदा लेते हैं, हमारे पास विद्याधर जी हैं, इन्होंने पहली बार देखा है, अब ये बताएंगे इनको कैसी लगी ये जगह। विद्याधर जी आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विद्याधर राठौर, ग्राम पोस्ट मऊत है, थाना तहसील बिहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश अनिवासी हूँ मैं। एक आम पब्लिक हूँ, मुझे बागेश्वर धाम प्लस खजुराहो घूमने का बहुत मेरे दिमाग में बात थी, और बहुत खुशी थी कि मैं जाऊँ घूमने, इसी वजह से मैं आया। और यहाँ का नज़ारा देखा बहुत अच्छा लगा मुझे, और यहाँ का नज़ारा देखने के बाद मुझे ये लगता है कि मैं और लोगों को जोड़ के यहाँ लाऊँ और दिखाऊँ। और बहुत अद्भुत जगह है, प्राचीन काल के यहाँ पूरे हर चीज़ दिखते हैं।
समझ में आया मुझे। तो बहुत प्राचीन अच्छा। जो लोग आप काम करते हैं ना ऐसे बिल्डिंग बनाने की चीजें, उनकी बिल्डिंग कला जो देखी आपने, हजार साल पहले जो लोग करते थे, हजार साल पुराने में बिल्डिंग देखा, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी ऐसा कला करने के लिए सोचूंगा, इसलिए कि इसी वर्क में मेरा काम है, ठेकेदारी लाइन यही काम करता हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं ऐसा काम करूँ जिससे मेरा नाम हो आगे आने वाले भविष्य में, और अच्छा लगे, लोग मुझे पहचाने। मेरा नाम राजा भी उनका नाम है, विद्याधारी मतंगे। हाँ, जो है मतंगे मंदिर है, कांदारिया महादेव मंदिर जो था, जो उसमें उनका नाम भी विद्याधारी था। तो आप भी बनाइए एक विशाल मंदिर। मैं भी चाहता हूँ कि इसी तरह मैं भी बनाऊँ और कोई ऐसा काम करूँ जिससे अच्छा लगे लोगों को। ठीक, चलिए साथियों, अब मैं भी आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।